नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेल्स और परचेज की एंट्री की जाती है टेली प्राइम के अंदर विथ जीएसटी, जो जीएसटी हम लगाते हैं सेल्स और परचेज के अंदर, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें मैंने सेल्स और परचेज पे एक वीडियो बना के रखा है एंट्री पे, लेकिन जो ये सेल्स का बिल है, जितनी भी इसमें डिटेल दी हुई है, मैं वो सारी इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ये डिटेल फिल की जाती है, और जो भी परचेज एंड सेल्स जितनी भी डिटेल्स इनमें दी है वो कहाँ पर फिल होगी टेली प्राइम के अंदर, और जीएसटी है वो कैसे लगाते हैं और जीएसटी वो कैसे इनेबल करते हैं, वो सब इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा होने वाला है पर बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले अपन टेली प्राइम में आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक परचेज का बिल है और एक सेल्स का बिल है। तो हम ये दोनों बिल है वो क्रिएट करेंगे टेली के अंदर, बनाएंगे, और इनके अंदर जो भी जीएसटी लगी हुई है वो भी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट कंपनी के अंदर। आपको क्रिएट कंपनी के अंदर जाना है, फिर यहाँ पे आपको एक कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे जो कंपनी का नाम है केपी क्लासेस, जो मेरे चैनल का नाम है, वही मैं लिख रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको स्टेज है आपका जो चूज करना है, क्योंकि जो स्टेट है इससे ही जीएसटी है वो लगती है कि आपको सीजीएसटी लगाना है या एसजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है, मतलब कौन सी जीएसटी लगाना है वो आपके स्टेट पे ही निर्भर करती है। तो यहाँ पे अपन जो हमारा स्टेट है वो राजस्थान है, हम राजस्थान यहाँ पे चूज कर लेते हैं। बाकी पिन कोड वगैरह आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर कंट्रोल है मैं प्रेस कर दूँगा। फिर यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर जो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आपको यस या नो करने हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी का ऑप्शन है ऑलरेडी यस रहता है, फिर भी इसको मैं यस करके एंटर प्रेस करना है आपको। और उसके बाद में यहाँ पे भी मैं राजस्थान, और यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है, और यहाँ पे जो आपके सामने एप्लीकेबल फॉर्म आ रहा है यहाँ पे आपको रखना है 1 जुलाई, जो जीएसटी वो कब से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017। तो आपको यहाँ पे 1 जुलाई 2017 डालना है। और फिर यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी नंबर है आपके, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रेंडमली डाल देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जीएसटी नंबर कितने अंक के होते हैं। तो जीएसटी नंबर है वो 15 अंक के होते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं 08, जो हमारे स्टेट के कोड है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड है, वो आपको यहाँ पर गूगल सर्च में आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपके जो पेन नंबर होते हैं 10 डिजिट के, वो यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ 10 डिजिट ऐसे ही डाल देता हूँ रेंडमली। और फिर यहाँ पे 3 कोड होते हैं, वो आपके कंपनी के दिए होते हैं, तो ये टोटल 15 नंबर है वो जीएसटी के होते हैं। फिर आपको यहाँ पे चूज करना है कि ये मंथली है या क्वार्टरली, तो यहाँ पे आपका जो भी GSTR1 फिल होता है वो आप डाल लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन है वो चूज नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे ईवे बिल है, आप यस रख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेबल फॉर्म, मतलब ईवे बिल कब से लागू हुआ था, ईवे बिल है वो 1 जून से लागू हुआ था 2018 में, 1 जून 2018 से ईवे बिल है वो लागू हुआ था। तो ये जो जीएसटी की सेटिंग है आपको करना है, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, बस कंट्रोल है प्रेस आपको कर देना है, और यहाँ पे भी आपको क्या है, कंट्रोल है प्रेस कर देना है। तो ये आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करनी है। और उसके बाद हम डायरेक्ट वाउचर के अंदर चलेंगे, हम डायरेक्ट आपको वाउचर से ही काम करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपन बिल के अंदर चलते हैं, तो हमारे यहाँ पे अपन जो परचेज का बिल है वो अपन ले लेते हैं। तो परचेज के अंदर यहाँ पे क्या है, हमने एक जो प्रोडक्ट है वो शुगर है, मतलब चीनी है, वो हमने परचेज़ की है 1200 किलो 45 kg पर रेट के हिसाब से 54,000 रुपये की हमने शुगर की थी जो परचेज़ की है। उसके अंदर CGST और SGST हमारा 2.5% लगा है, ठीक है। टोटल हमारा बिल इतना बना है, और यहाँ पे जितनी भी डिटेल दी हुई है वो हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हम डायरेक्ट जाएंगे F9, है ना, F9 परचेज के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे अपन डेट भी दे सकते हैं, डेट है बिल के अंदर 1 मार्च 2023, तो हम F2 प्रेस करके 1 मार्च 2023 यहाँ पे डाल देंगे। फिर एंटर प्रेस करके, फिर यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली लेगा, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 51 बाउंड दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे 51 और 52 डाल देंगे। उसके बाद में डेट 1 मार्च 2023 डेट है वो अपन डाल देंगे। फिर यहाँ पे पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम इसमें इसके अंदर है रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड है, तो अपन यहाँ पे LC करके, या यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया है, वहाँ से अपन पार्टी का है वो लेजर बना लेंगे, रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे रख लेंगे। इनसे हम क्या कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये क्या, क्रेडिटर्स है, तो हम यहाँ पर इनको क्रेडिटर्स के अंदर डाल देंगे। और ये जो मेंटेन बिल वाई बिल है इसको अपन नो रखेंगे, ये अपन यहाँ पे इनका जो मेंटेन बिल वाई बिल हमें नहीं करना है। और इस ये पार्टी कौन से स्टेट की है वो अपन डाल देंगे, तो इसको मैं यहाँ पे
अगर आप देखेंगे तो CGST SGST लगा हुआ है यहाँ पे टैक्स के अंदर, यहाँ और इसका जो पार्टी नेम है वो उसके नीचे यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है राजस्थान, तो ये पार्टी है राजस्थान की, तो अपन राजस्थान चूज कर लेंगे और बाकी अपन यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करेंगे। अगर इसकी मतलब किसी भी पार्टी की अगर कोई भी डिटेल दी हुई होती है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिल के अंदर भी हमने खाली छोड़ रखा है, ठीक है, और कंट्रोल है प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ रिसिप्ट नंबर ये पूछ रहा है, तो रिसिप्ट नंबर इसके अंदर दिए हुए नहीं है तो आपको भी यहाँ पे नहीं डालने हैं। फिर डॉक्यूमेंट नंबर वो भी यहाँ पे दिए हुए नहीं है तो आपको नहीं डालने हैं, मतलब जो भी नेम इसमें दिए हुए हैं वो आपको डालने हैं, जो नहीं दिए हुए हैं तो नहीं डालने हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर आपके पास ये डिटेल है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है। तो मैं एंटर एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस वगैरह पूछेगा, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपके पास है वो चीज़ें फिल कर देना, नहीं है तो आपको बस और आगे आगे एंटर एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे परचेज लेजर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे परचेज का लेजर नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे एंटर करके बना सकते हैं, या Alt+C से भी आप ये जो है परचेज का लेजर है वो बना सकते हैं। मैं भी परचेज का लेजर बना लेता हूँ। परचेज के अंदर जाएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, डिस्काउंट वाला नहीं रखेंगे, और यहाँ पे आपको GST इज GST है वो एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है आपको चूज करना है। दोनों सेल्स और परचेज के लेजर है वो सेम ही बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्रोल है प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो नेम ऑफ आइटम में Alt+C से हम लोग जो हमारा आइटम क्या है शुगर है, आइटम क्या है शुगर है, तो हम अपन यहाँ पे शुगर है वो क्रिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी आइटम है वो आप क्रिएट कर सकते हो। शुगर के लिए अपन यहाँ पे यूनिट्स है वो लेंगे KG, तो अपन यहाँ पे KG यूनिट्स है वो ले लेते हैं। फॉर्मल नेम में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, यहाँ पे किलोग्राम अपन चूज कर लेंगे KG किलोग्राम, और यहाँ पे डेसिमल जो प्लेस है वो 3 रखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये 3 क्यों रखते हैं तो कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आपको जो GST है वो यहाँ पे सेट करना है, एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पे जो सेट अल्टर GST डिटेल है उसको आपको यस करना है, और यहाँ पे ओन वैल्यू आपको रखना है, यहाँ पे आपको टैक्सेबल रखना है। अगर ये आपको ऑप्शन सारे शो नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे जो नीचे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल GST टैक्स टाइप, इसको आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे शुगर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे CGST SGST 2.5% है, तो यहाँ पे IGST आपको इंटीग्रेट टैक्स पूछ रहा है, तो ये 5% हो गया, और इसको आपको डाल देना है, आप कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। यहाँ पे गुड्स आपको रखना है, रेट ऑफ ड्यूटी खाली छोड़ देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल है प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी है वो 1200 kg, तो आपको यहाँ पे 1200 kg डालना है, और फिर रेट है, रेट 45 per kg है, तो यहाँ पे आपको 45 per kg डाल देना है। तो फिर आपको एंटर प्रेस करना है, और कोई आइटम है नहीं, अगर है तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, अगर आइटम नहीं दिया हुआ है तो आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पे CGST SGST इसमें लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे CGST लगानी है, लेकिन यहाँ पे लेजर नहीं बनाए हुए तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं CGST का लेजर। तो मैं यहाँ पे CGST@2% ऐसे करके मैं लेजर बना लेता हूँ, और इसको अंडर आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे। यहाँ पे आपको GST में रखना है, और यहाँ पे CGST है तो सेंट्रल टैक्स है, और यहाँ पे आपको 2.5% डाल देना है। इस प्रकार से आप सारे लेजर बना सकते हैं, CGST SGST की जितने भी परसेंटेज के लेजर है वो इसी प्रकार से सेम बनेंगे, तो आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी GST ऑटोमेटिकली ले ली, मतलब यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हमने की है वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे SGST का अपन लेजर बनाएंगे, तो यहाँ पे SGST का लेजर मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे 2.5% मैं डाल देता हूँ, ये 2.5% हमने डाला प्रेजेंट टैक्स है, GST और SGST है वो स्टेट टैक्स है, वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 2.5% और कंट्रोल है प्रेस कर देना, दोनों GST हमारी है जो लग चुकी है। उसके बाद में हम कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ए सेव कर देता हूँ। तो ये हमारी जो GST की GST विथ GST जो हमारी परचेज की एंट्री है वो हो चुकी है। मैं आपको डिस्प्ले डे बुक के अंदर दिखा देता हूँ, यहाँ पे परचेज की एंट्री हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल पी करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जो दोनों बिल है यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल इनमें कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी बिल के अंदर फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से आपको परचेज की एंट्री आप कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारी सेल्स बिल की, तो हम देख लेते हैं हमारा सेल्स बिल है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है वो हम फिल करके देखेंगे, जितनी भी डिटेल्स जहाँ जहाँ फिल होती है हम लोग वहाँ पे करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा ये डिटेल्स कहाँ कहाँ फिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेल्स है 300 kg शुगर सेल्स की है ना, और 50 kg पर रेट के हिसाब से हमने सेल्स की है, IGST इसमें लगा हुआ है, टोटल बिल इतना बना हुआ है, और यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, और पार्टी के GST नंबर भी दिए हुए हैं, ये पंजाब से हैं, और इनके अंदर यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है वो हम फिल करते हैं। तो हमें सेल्स की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे
वापस बेक जाएंगे, और वाउचर के अंदर, यहाँ पे वाउचर के अंदर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, या आप डायरेक्ट वाउचर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको F8 प्रेस करना है सेल्स के अंदर। फिर यहाँ पे आपको पार्टी नेम के लिए पूछ रहा है, तो पहले हम सबसे पहले इसकी डेट देखेंगे। तो डेट 1 मार्च 2023 है, तो आपको F2 से 1 मार्च 2023 आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे जो पार्टी का नाम है, वो पार्टी का नाम है सोनल प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे रिधि सिद्धि बस एक ही पार्टी हमारी, तो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे सोनल प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा पार्टी का नाम है, तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और ये इसको हम, इस पार्टी को हम क्या है, माल सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हुई, संडी डेबिटर, हम तो हम संडी डेबिटर डाल देंगे। उसके बाद में आपको ये मेंटेन बिल बाय बिल आपको ऑप्शन नो रखना है, और ये पार्टी कौन सी स्टेट की वो आपको डाल देना। तो यहाँ पे ये पार्टी है वो पंजाब की है, तो हम लोग यहाँ पे पंजाब डाल देंगे, तो पार्टी में पंजाब डाल देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, बस इसके जो GST नंबर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैंने रेंडमली यहाँ पे डाले हुए हैं, और अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं कुछ 5 अल्फ़ा, वापस 4 नंबरी, और यहाँ पे वापस 1 अल्फ़ा, ये अपन पेन नंबर हो गया, और 1Z5 ऐसे करके मैं जो पेन नंबर है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डाले हुए हैं, तो पेन नंबर हमने डाल दिए। फिर यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर पूछ रहा है, तो डिलीवरी नोट यहाँ पे दिया हुआ है 2152, तो अपन 2152 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे डेट दी हुई अपन डाल देते हैं। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है 8090 हम डाल देंगे। डिस्पैच थ्रोज, यहाँ पे KP लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे हम KP लिख देंगे, है ना। जो भी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है आपके सामने बिल के अंदर, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। डेजिनेशन यहाँ पे पूछ रहा है, डेजिनेशन के अंदर MTS लिखा हुआ है, तो हम MTS यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे करियर एजेंट नेम है वो भी लिखा हुआ है क्या इसके अंदर, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम नहीं लिखेंगे। अगर लिखा हुआ होता तो हम लोग लिख देते। और यहाँ पे जो बिलिंग नंबर है वो भी दिए हुए यहाँ पे, जो है 16545 है, 16545 हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट है 1 मार्च 2023, वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद में व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पे व्हीकल नंबर है RJ37SM, और यहाँ पे 6515 दिए हुए हैं, तो 6515 हम डाल देंगे, और एंटर प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको वापस पार्टी का एड्रेस वगैरह पूछेगा, तो आपको एंटर एंटर प्रेस कर देना। फिर यहाँ पे आपको सेल्स का लेज़र यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल्स का लेज़र क्रिएट करना है। अगर क्रिएट किया हुआ रहता है तो आपको क्रिएट नहीं करना है, सेल्स सेल्स के अंदर जाएगा। और यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल, और वही सेम जो जैसे हमने परचेज का लेज़र क्रिएट किया था, वैसे आपको सेल्स का लेज़र क्रिएट करना है, और कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। आइटम हमारा क्रिएट किया हुआ पहले से, क्योंकि हमने परचेज़ किया था शुगर, बस आपको एस प्रेस करना है, यहाँ पे शुगर आ जाएगी। यहाँ पे दिखा रहा है कि 1200 kg हमारे पास शुगर है, हम एंटर प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी हम लोग 300 kg बिल के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, रेट इसमें 50 kg दी हुई है, तो हम डाल देंगे। और फिर एंटर प्रेस करेंगे, और कोई आइटम नहीं है तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे IGST जो हमारी लगाई हुई आई हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे IGST का लेजर नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो हम IGST का लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। IGST@ यहाँ पे 5% ऐसे करके लेजर बना सकते हैं। ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और यहाँ पे GST इंटीग्रेटेड टैक्स आपको लेना है, यहाँ पे 5% आपको डाल देना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। तो ये आपकी GST इसने ले ली। फिर यहाँ पे आप कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए करके हमने सेव कर दिया। फिर हम डिस्प्ले एंड डे बुक में जाएंगे, तो ये सेल्स की एंट्री हमें दिखा रहा है। यहाँ पे कंट्रोल पी करके मैं आई प्रीव्यू के अंदर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जूम करके अंदर जूम हमने कर लिया, और हम जो बिल है ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम बिल है। इसके अंदर बस फर्क क्या है, यहाँ पे KP जो हमारा बिल बनाया हुआ उसके अंदर मैंने हमारी जो पार्टी है, जो हमारी कंपनी है, उसकी हमने ज़्यादा डिटेल डाली नहीं थी, और बाकी आप देख सकते हैं सेम टू सेम डिटेल, सेम टू सेम आपको बिल बन के आपका रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार से आप सेल्स और परचेज का बिल है वो टेली प्राइम के अंदर विथ GST बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर इनके बिल से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।